आपकी यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, जेएनयू बैठ के क्या कर रही है, घंटा बजा रही है, और आप गुरुकुल को दोष देते हैं। गुरुकुल में दुनिया की जितनी मैं एक चीज और बोलता हूं डॉक्टर साहब, दुनिया हमारे एहसानों के नीचे इतनी दबी है कि केवल जीरो जो हमने खोजा उसके एहसान को दुनिया आज भी उतार नहीं पाती है। अगर हम हमारे यहाँ तो यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल है वो वामी है, वामपंथी है, और वामपंथी और कुछ लोगों ने मिलकर के इनके लिए क्या, उनका अगर आप देखेंगे तो उनका कैरेक्टर क्या है, वो तो बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छा मानते हैं, जो कि किसी भी सिविक सेंस में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कंट्री में अपीलिंग नहीं होंगी, कोई भी आदमी नहीं बोलेगा। वो अपने फायदे के लिए ये प्रोपोगंडा। अब स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति एक कॉन्सेप्ट है, अब स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, उसका भी तो एक दायरा है। हर चीज इस पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, हर चीज का एक दायरा है। चांद, तारे, सूर्य, मिल्की वे, हर चीज का दायरा है। जब आप दायरे के बाहर जाएंगे तो क्राइम होगा। और इसीलिए मैं बोलता हूं ये समझना और समझाना जरूरी है कि तुम्हारा दायरा क्या है। और ये मोरल कैरेक्टर और मोरल बिल्डिंग से, नैतिक शिक्षा से आता है, जहां पे बताया यही जाता है कि बेटे या बेटी या बच्चे तुम्हारा दायरा क्या है। तुम्हारा दायरा वही तक है जहां पे कि दूसरे का दायरा शुरू होता है। तुम अपने दायरे में रहो, दूसरे के दायरे में जबरदस्ती मत घुसो। प्रेम जी, ये जैसे बात कर रहे हैं स्कूलों की, गुरुकुल ले लो, अपने कैथोलिक वालों के जो स्कूल हैं वो ले लो जी, ऐसे ही मुस्लिम कम्युनिटी के जो स्कूल हैं वो ले लो। सबसे ज़्यादा सेक्सुअल असाल्ट इन जगह के ऊपर होते हैं। तो जब इन जगह के ऊपर होते हैं, अभी तक रोमन कैथोलिक वाले जो हैं वो $16 बिलियन पे कर चुके हैं जी, उन पादरियों की वजह से जिन्होंने सेक्सुअल असाल्ट किए, और अभी कई इंक्वायरियाँ चल रही हैं और कईयों के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं। यही कांड गुरुकुल में होते थे सेक्सुअल असाल्ट, यही कांड और सोसाइटियों में होते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, ये तो कभी भी कोई ठीक कंसेप्ट तो सामने आना ही नहीं जी। इस पर चर्चा कम हुई है डॉक्टर साहब, लेकिन जो कहानी, किस्सा कहानी में भी जो बातें सामने आई है प्राचीन समय से, गुरुकुल में तो कुछ लोगों का ही प्रवेश था समाज में, समाज के हर वर्ग का प्रवेश ही नहीं था, शिक्षा ले भी नहीं सकते थे गुरुकुल। ये गुरुकुल का कॉन्सेप्ट तो हमेशा ही सामाजिक, समाज में विभाजनकारी रहा, किसी से अंगूठा ले लिया गया, किसी को दीक्षा नहीं देंगे, राजकुमारों को दीक्षा देंगे, तमाम तरह की बातें थी। तो हम नाहक हम गुरुकुल की तरफ लौटने की बात करते हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, शिक्षा में क्वालिटी भी आनी चाहिए, रोजगार परक भी होना चाहिए और नैतिकता से उसको युक्त भी होना चाहिए। समाज की भी नैतिकता होती है, धर्म से भी नैतिकता आती है, और बदलते हुए जो शिक्षा पद्धति में भी नैतिकता ग्रो करती है। मिश्रा जी, आप नैतिकता की, धर्म की बड़ी बात करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, उसका आप जवाब देना मुझे, कि जब गौतम बुद्ध यहाँ पर आए तो सारा हिंदुस्तान में बुद्धिज्म जो था वो फैल रहा था, और जब गुप्ता राज आया और मौर्य राज आया, उन्होंने ये महसूस किया कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो सारे कोई हिंदू रहेगा ही नहीं। तो उन्होंने हिंदुइज्म को स्थापित करने की कोशिश की। ये ठीक है, मौर्य का एक मतलब अशोक निकला जिसने लोगों को, बौद्धियों को बाहर भेजा कि आप जाके जो है बाहर भी प्रचार करो, लेकिन अशोका के डेथ के बाद वो फिर ख़त्म हो गया, और बौद्धियों को आप हैरान होंगे कि सारे हिंदुस्तान में ख़त्म कर दिया गया, वो बाहर जाके उन्होंने प्रचार किया और वहाँ पर फैला दिया जगह जगह के ऊपर, सारा साउथ ईस्ट एशिया बुद्धिस्ट बन गया। अब मैं आपको एक और, आप धर्म की बात करते हैं, आप कैथोलिज्म को ले लीजिए। कैथोलिक्स वालों मतलब क्रिश्चियनिटी ने सारी दुनिया में जुल्म करके अपनी क्रिश्चियनिटी को फैलाया। इसी तरीके से जो और रिलीजन हैं जो बाद में आए, उन्होंने भी दुनिया में जुल्म करके अपने धर्मों को फैलाया। तो मुझे ये बताइए
कि कौन सा धर्म ये सिखाता है कि हाँ भाई प्रेम, बातें प्रेम की होती हैं, कि लो जी सब धर्म में एक ही गॉड है, अगर सबके एक गॉड हैं तो फिर दूसरे गॉड का नाम लेते उसकी गर्दन क्यों काट दी जाती है। डॉक्टर साहब आपने पूछा कि ये बताइए कौन सा धर्म है जो ये सिखाता है कि सब बराबर है, प्रेम से रहो, सनातन धर्म है ना। मैं अब एग्जाम्पल आपको देता हूँ, लॉजिक देता हूँ। भारत भूमि केवल एक ऐसी भूमि है जहाँ पे कि तीन चार दुनिया के बड़े बड़े धर्म यहाँ पे, जैसे बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, ये सारी चीजें हुई, अनेकों पंथ, एक शहर में अनेकों पंथ आपको मिलेंगे, हर धर्म में अनेकों पंथ मिलेंगे, शैव शाक्त वैष्णव ये वो सारी चीजें मिलेंगी। मैंने मैंने आपको एग्जाम्पल भी तो दिया कि बुद्धिज्म सारे मैं बुद्धिस्टों को एग्जाम्पल दे कैसे रहा हूँ। मारा गया, हाँ कैसे मारा मैं गया। एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। भारत भूमि पे हजारों साल से है, बगल में यरूशलम है, वहां पे एक मस्जिद है एक शहर में, और तीन धर्मों के लिए है। आज तक वो शांति से नहीं रह पाए हैं। कभी इसराइल कुछ कार्रवाई करता है, कभी हमास करता है, कभी वो करते हैं। दिस इज वन एग्जाम्पल। दूसरा, आपने बुद्धिज्म की बात की। रियल में बुद्धिज्म का डेवलपमेंट तब हुआ जब उसको राज सत्ता का सहयोग मिला, अशोक। अशोक के पहले तक कितना बुद्धिज्म यहाँ पे था, और बुद्धिज्म जो खत्म हुआ गुप्ता और मौर्य के कारण नहीं हुआ। मौर्य वंश में तो जो जब राज सत्ता का सहयोग मिला तो बुद्धिज्म बढ़ा। चंद्रगुप्त मौर्य जो अशोक का दादा या परदादा लगता था, तीन या चार पीढ़ी पहले था, वो लास्ट में जैन होकर के उसने संथारा लिया था, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अब बुद्ध की जो आप बात कर रहे हैं वो जरा लास्ट में सुनिए। जो बृहदरथ था लास्ट, जो लास्ट शासक था, बृहदरथ अपने सत्ता के लिए लालायित था, बचाने के लिए, और उसी के साथ उसका एक भाई था, वो बौद्धों का एक बहुत बड़ा संगठन होता था, वो उसमें सत्ता चाहता था कि हम उसके हेड बन जाए। इसके साथ साथ यवन लोग जितने थे वो सब आके मठों में छुप गए थे, यहाँ अटैक करने की बात कर रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो पुष्यमित्र शुंग जो था, उसने जो है बृहदरथ की हत्या करके अपने कमान अपने हाथ में ली और उन लोगों का जो है सफाया किया, भगाया नहीं, ऐसे लोगों का सफाया किया जो कि राष्ट्र के खिलाफ थे और बियॉन्ड रिलीजन, कि वो हिंदू है कि वो बुद्धिज्म है, उसने उन सब लोगों का सफाया किया जो राष्ट्र के अगेंस्ट थे और यवनों का साथ दे रहे थे। अगर उस वक्त भी सारे हिंदू चाह लेते, और उस वक्त तो लोग पैदल भागते थे, तो क्या बुद्धिज्म इतना बचा रह जाता है यहाँ पे? अगर एक एक आदमी चाह लेता कि नहीं जी, और अगर राज सत्ता चाह लेती कि बुद्धिज्म को खत्म करना है, ये रॉन्ग परसेप्शन। देखिए वामपंथी सिद्धांत कैसे, या कोई वामपंथी मिल जाए आपको, आपका ब्रेन वॉश कैसे करते हैं? गुरुकुल पे प्रेम कुमार जी ने जो है बड़े ऑब्जेक्शन उठा दिए जी गुरुकुल में, ठीक है, बेयर मिनिमम तो एग्जाम्पल आपको अच्छे बुरे हर जगह मिलेंगे। मैं बोलता हूँ आपके यहाँ इंडिया में इतनी यूनिवर्सिटी है, IIT IIM है, मुझे एक एग्जाम्पल दीजिए कि जीरो की खोज गुरुकुल में हुई, आपकी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कर पा रही है इस तरह का काम? पूरे खगोल शास्त्र का, एस्ट्रोलॉजी का डेवलपमेंट, सर्जरी की खोज गुरुकुल में हुई, आपकी यूनिवर्सिटी क्या कर रही है? JNU बैठ के क्या कर रही है? घंटा बजा रही है। आपकी यूनिवर्सिटी क्या कर रही है? JNU बैठ के क्या कर रही है? घंटा बजा रही है। और आप गुरुकुल को दोष देते हैं? गुरुकुल में दुनिया की जितनी खोज, मैं एक चीज और बोलता हूँ डॉक्टर साहब, दुनिया हमारे एहसानों के नीचे इतनी दबी है कि केवल जीरो जो हमने खोजा उसके एहसान को दुनिया आज भी उतार नहीं पाती है। अगर हमने पेटेंट कराया होता ना तो दुनिया वही पाषाण युग में जी रही होती। वो महानता है गुरुकुलों की कि उन्होंने जो कॉन्सेप्ट खोजा उसको पूरी दुनिया के जो है भलाई के लिए उन्होंने उसका पेटेंट नहीं करवाया। पेटेंट तब भी होते थे, शिक्षा को छुपा के रखा जाता था, लेकिन पूरी दुनिया में उन्होंने बैठा। मैं 50 ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जो कि आज मॉडर्न साइंस भी जो है उस चीज को नहीं खोज पाया। वो आश्रम में हुए हैं, वो गुरुकुल में हुए हैं, क्यों नहीं JNU में हो रहा है? इतना बड़ा वामपंथियों का अड्डा है, कौन से गुरुकुल ने सिखाया जी? मिश्रा जी, मिश्रा जी, आप इतने बायस्ड हैं, मिश्रा जी माफ करना, आप इतने बायस्ड हैं कि हिंदुस्तान की IIT IMI सबको आप कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया। अरे आज जो आप यार बेटर सर, मेरी बात सुनिए, आप एक यूनिवर्सिटी का नाम लेते हो, ऑल ओवर उतने भी पूरी दुनिया में जितनी यूनिवर्सिटी है इंडिया का केवल एक है IIST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में है, वो भी 200 नंबर पे है।
टॉप 10 में कितनी यूनिवर्सिटी है भारत की, आप मुझे बताइए। अरे भाई ये पॉलिटिशियनों का नुकसान, पॉलिटिशियनों की वजह से, उनकी करप्शन की वजह से ये सब काम हुआ। गुरुकुल आप नहीं रहे, आप गुरुकुलों का काम छोड़िए। नहीं तभी तो ये हो रहा है ना, क्योंकि गुरुकुल या तो गुरुकुल होते नहीं है। अच्छा गुरुकुल होता तो ये नहीं होना था। अरे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, आप बताइए ना, कितनी खोजे गुरुकुल में हुई है। जीरो गुरुकुल ने निकाल दिया। जीरो गुरुकुल ने निकाल दिया। नहीं आर्यभट्ट किसने, आर्यभट्ट कौन थे आपको पता है? मुझे नहीं पता, आपको पता है? आप ही बताओ ना सबको। अच्छा सर्जरी की खोज किसने की थी मुझे बताइए, सर्जरी की खोज किसने की थी? अरे भाई किताबों में बड़ा कुछ लिखा होता है, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या है? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था प्रेम जी कि ये जो गणेश जी की देखिए कितनी बड़ी सर्जरी जो है उस वक्त थी हमारे। डॉक्टर यही कमी है, आपके जैसा प्रबुद्ध आदमी भी जब भारत के इतिहास को नहीं जानता है ना तो वो झूठलाता है। चलिए मैं तो नहीं जानता, मुझे आप तो बोल रहे हो कि आप तो मान ही नहीं रहे हो कि जीरो की खोज गुरुकुल ने की, सर्जरी की खोज इंडिया के आश्रम में हुई, क्यों नहीं मान रहे हो? या तो आपको नॉलेज नहीं है। अरे भाई मैं अरिस्टोटल को जो 4000 साल पहले था उसको जीरो कर दूं, है जी, जो और नहीं उनको मैं जीरो कर दूं जिन्होंने इतना कुछ लिखा है। मैंने ये नहीं बोला कि दुनिया के दूसरे लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं है, मुझे जीरो की खोज अरिस्टोटल ने की थी। अरे जीरो की बात एक लफ्ज़ देते, अरे अरिस्टोटल ने जो कुछ कहा है वो दुनिया में बाद में कोई भी नहीं कह सका। अब 4000 साल पहले उसके पहले यहाँ पे बोले जा चुके हैं डॉक्टर। ये दोबारा मैं रिलीजन की बात नहीं करना चाहता, ये दोबारा रिलीजियस लेवल पर पहुंच गया मिश्रा जी।